इसे भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला कहा जा रहा है। घोटाला करने वाली कंपनी का नाम है एबीजी शिपयार्ड। गुजरात की इस कंपनी ने 28 बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है। एक मोटे अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है कि एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों ने 28 बैंकों के साथ करीब 22,800 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस कंपनी ने जिन बैंकों को चूना लगाया है उनमें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI बैंक का नाम भी शामिल है। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको एबीजी शिपयार्ड और इस घोटाले की पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड यानी ABGSL की स्थापना 15 मार्च 1985 को हुई थी। ABGSL एबीजी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। ये जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती है। एबीजी ग्रुप भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी रहा है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में है। 2012 के बाद फर्म की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। स्टेट बैंक ने कहा कि शिपयार्ड कंपनी को दोबारा खड़ा करने की कई कोशिशें की गई। मार्च 2014 में उसे रीस्ट्रक्चर किया गया। कंसोर्टियम के सभी बैंकों ने इसमें भाग लिया लेकिन कंपनी को जीवित नहीं किया जा सका। इसका खाता जुलाई 2016 में NPA में चला गया। इस केस में फ्रॉड का जो भी मामला है वो फंड के डायवर्जन को लेकर है, बैंकों का भरोसा तोड़ने का है। SBI ने आरोप लगाया है कि ऐसे संकेत हैं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए पैसे से उसे संबंधित या जुड़ी हुई पार्टियों ने संपत्तियां खरीदी थी। खबर है कि घोटाला पहचान समिति ने जून 2019 में एक बैठक में धोखाधड़ी की पहचान कर ली थी, लेकिन SBI ने CBI में अपनी पहली शिकायत नवंबर 2019 में दर्ज की। बताया जा रहा है कि 2012 से 2017 के बीच इस कंपनी ने कथित रूप से बैंकों को कुल मिलाकर 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की है और फंड के डायवर्जन, दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात सहित अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया है। बैंकों से जिस उद्देश्य के लिए फंड लिया गया उसे उसमें नहीं लगाया गया। जांच एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एबीजी शिपयार्ड कंपनी के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का भी केस में नाम शामिल किया गया है। इस खुलासे ने नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचनाओं के घेरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस BJP पर इस लूट में मदद करने का आरोप लगा रही है, ये देखते हुए कि ये धोखाधड़ी एक BJP शासित राज्य में की गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया कि इस धोखाधड़ी के बारे में सरकार को 5 साल पहले जानकारी मिल गई थी लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखना होगा कि इतने बड़े घोटाले में अभी कौन सी परतें खुलती हैं और क्या क्या सच्चाई सामने आती है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।